नमस्कार, मैं हूं रंजना। आप देख रहे हैं सोका टाइम्स। दिन की शुरुआत सुविचार के साथ। आज का सुविचार, उत्साह प्रयास की जननी है, इसके बिना आज तक कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं की गई है। ये कहा है राल्फ वाल्डो एमर्सन। आइए अब नजर डालते हैं आज की फटाफट 10 खबरों पर। देश मंत्री जयशंकर आज जाएंगे पाकिस्तान। SCO समिट के लिए इस्लामाबाद में लॉकडाउन। शहर में 3 दिन की छुट्टी, स्कूल कॉलेज भी बंद। कनाडाई PM का आरोप, भारतीय डिप्लोमेट्स अपराधों में शामिल। टूडो बोले, हमारे लोगों की हत्या को समर्थन देना भारत की गलती, ये बर्दाश्त नहीं। अमेरिका और ब्रिटेन के 3 अर्थशास्त्रियों को मिला इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार। उन्होंने समझाया कैसे राजनीति संस्थाएं समाज की तरक्की पर डालती हैं असर। पूर्व ब्रिटिश PM जॉनसन की किताब में PM मोदी की हुई तारीफ। लिखा, वे बदलाव लाने वाले नेता। नेहरू कहते थे, भारत हमेशा रूस का साथ देगा। पाकिस्तान में ग्वादर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे चीनी PM। 2000 करोड़ खर्च कर चीन ने बनवाया बलूच विद्रोही की वजह से हुई देरी। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 5वां टेस्ट रहा कामयाब। 13 अक्टूबर को टेक्सास के बोकाचिका से किया गया लॉन्च। बूस्टर 96 किलोमीटर ऊपर जाकर लॉन्च पैड पर लौटा, शिप की पानी में कंट्रोल लैंडिंग। महाराष्ट्र झारखंड की चुनाव तारीखों का आज दोपहर 3:30 बजे होगा ऐलान। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में वोटिंग हो सकती है, झारखंड में 5 फेज में चुनाव संभव। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज। डॉक्टरों की भूख हड़ताल का 10वां दिन। TMC सांसद का तंज, अस्पताल में भर्ती होने का अनशन। दिल्ली में पटाखे बैन, नहीं होगी ऑनलाइन डिलीवरी, 1 जनवरी तक रहेगा लागू। भाजपा बोली, पटाखे फैलाते हैं प्रदूषण, आपने वैज्ञानिक रिपोर्ट दिखाने की मांग। मानसून की विदाई के बीच देश में दिखेगा बारिश का असर। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना। तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद। फिलहाल फटाफट 10 खबरों में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए सोका टाइम के साथ। खबरें अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सेहत की बारी, आज का सेहत टिप्स। सबसे पहले रखें सेहत का ध्यान। केले की चाय यूरिक एसिड में फायदेमंद। केले के छिलकों की चाय यूरिक एसिड में फायदेमंद हो सकती है। इस चाय को बनाने के लिए केले के छिलके को गर्म पानी में बॉईल करें। इसमें दालचीनी व जायफल पाउडर डालें, 5 मिनट उबालें, फिर इसका सेवन करें। इसको पीने से नींद अच्छी आती है, यूरिक एसिड को कम करने में मदद मिलती है, ब्लोटिंग और पाचन से जुड़ी समस्याओं में मदद मिलती है। केले के छिलके में फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि केले के छिलके हो सकते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद।